अहमद भाई ने नई गाड़ी ले ली तो हमने पढ़ ली है, अभी हम इस प्लेन के अंदर एंटर होंगे। भाई नई गाड़ी है समद भाई की, कल ही ली है और आज इस गाड़ी में हमारा पहला सफ़र है। बिस्मिल्लाह कर। तो कितना प्राउड मोमेंट होगा एक के माँ के लिए कि उसका बेटा उसके नाम पे एक फाइव स्टार होटल बनवा दे। अभी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्राल सिटी। आज चित्राल सिटी में हमारी पहली सुबह है और आज के दिन हम एक्सप्लोर करेंगे चित्राल सिटी। जितनी मार्केट्स हैं, जितनी भी यहाँ पे प्लेसेस हैं, वो हम एक्सप्लोर करेंगे आज के इस ब्लॉग में। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम चित्राल सिटी का जो मार्केट है वो हम एक्सप्लोर करें, क्योंकि हर ब्लॉग में मेरा फेवरेट पार्ट वही होता है। अगर मैं किसी सिटी वाली साइड पे होता हूँ तो सबसे पहले मैं वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग चीज़ें देखने का, अलग अलग लोगों से मिलने का बहुत शौक है। तो हम सबसे पहले चित्राल सिटी का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो समद भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चित्राल के सक्सेसफुल यंगस्टर्स में से एक हैं। ये रियल इस्टेट का बिज़नेस करते हैं यहाँ पर चित्राल में, और इसके अलावा इनकी टूर कंपनी है। बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं, टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान या चित्राल, उनको ये डील करते हैं। तो और कुछ बताएंगे आपने बारे में? बहुत शुक्रिया करीम भाई। मेरा एक छोटा सा टूर कंपनी है इधर चित्राल बेस्ट, चित्राल इसका नाम है। सही, कोई छः सालों से मैं टूरिज़म पे काम कर रहा हूँ। छः सालों से 2018 से मैं एज ए रजिस्टर्ड कंपनी काम कर रहा हूँ। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जो है इंटरनेशनल टूर भी हमने कराए हैं, और डोमेस्टिक टूर जो है वो तो हम कराते रहते हैं। सही। और ख़ास करके जो हमारा मेन फोकस है चित्राल में टूरिज्म को जो है प्रमोट करने का हमारा मिशन। हाँ, वही मेन मिशन है। बिल्कुल। और अब तक आपने 800 कितने टूरिस्ट को आपने वो किया है? 845 टूरिस्ट को अभी तक इन सालों में मैंने फैसिलिटेट किए हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि समद भाई जो है वो यहाँ के सक्सेसफुल यंगस्टर्स में से। यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कामयाब होते हैं। और जिस तरह से आपकी स्टोरी है पूरी, आपने स्टोरी बताई अपने स्ट्रगल की, 6 साल की जो स्ट्रगल है इसमें आपने गिव अप नहीं किया है, सबसे मुझे अच्छा लगा। और आप एक तरह से ना, आप ये जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। कुछ लोग समझते हैं कि हम आज काम करें कल उसका हमें फल मिले, ये लेकिन नहीं। आपने 6 साल तक नहीं होता है। देखिए बिजनेस के दो वो होते हैं, या तो आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास होगा तो बिजनेस में ग्रोथ करने का इतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, जो आप पैसे लगाते हो वो डबल होगा या जो भी होगा। सही है, प्रॉफिट आपको जल्दी देगा। लेकिन एक चीज़, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आप बिगिनर हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आपने की, बहुत टाइम लगता है। सब तो ये होती है यार, ये जो सक्सेस स्टोरीज बोलते हैं इन्हीं को बोलते हैं। समद भाई की जो स्टोरी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और एक चीज़ पर तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, वो ये कि आपने इतने सालों में गिव अप नहीं किया, जो कि मुझे खुद ना अभी जो करता है वो लूजर होते मुझे अभी खुद इतनी मोटिवेशन मिली है कि मैं कभी कभी ऐसा होता है यार, एक दिन बुरा जाता है तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार, लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करता। ठीक आपकी तरह एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तो मतलब कल मेरे यहाँ पे आते ही ये चीज़ हुई है, समद भाई ने नई गाड़ी ले ली। ये पैसे बताओ इनको कि कितने की लिए आपने? आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये आपको जो सामने गाड़ी नज़र आ रही है, ये जीप जो मेरी फेवरेट गाड़ी है, स्पेशली जो माउंटेन्स में अच्छे से चलती है, गिलगित नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है जहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो ये गाड़ी समद भाई ने ली है 18 लाख की, कल ही ये ली है। यार देखो, मैंने यहाँ पे कदम रखा, आपने गाड़ी ले ली। अगली बार जब आऊँगा तो आप कोई V8 ले लोगे। तो इस गाड़ी में आज हमारा पहला सफर है ना? तो भाई नई गाड़ी है समद भाई की, कल ही ली है और आज इस गाड़ी में हमारा पहला सफ़र है। बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, हम मुसलमान हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करते हैं, तो ऐसा ही करेंगे। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे चित्राल में आगे देखी वो ये, मैं इंटर हुआ था अपर चित्राल से और मैं यहाँ पे आया हूँ लोअर चित्राल में। अपर चित्राल की निस्बत लोअर चित्राल में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अपर चित्राल में कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे मैं जैसे इंटर हुआ था, वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गांव जो समद भाई का गाँव है, वहाँ पे मैं इंटर हुआ था
और गांव ओवरऑल नेचुरल ब्यूटी तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वहाँ के जो रोड्स की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब थी। और इसके अलावा उस गांव में मैंने पूछा कि यार इस गांव में सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो मुझे जाना है किसी सिटी वाली साइड, तो ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ पर मैं जाऊँ और अपनी वीडियोस अपलोड कर सकूँ और मुझे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ भी मिले। तो उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप मस्तूज जाएँ। तो फिर उसके बाद मैं आया था मस्तूज। मस्तूज में मैंने इमेजिन किया था मस्तूज का, अपने दिमाग में मैंने एक वो इमेज बनाया था मस्तूज का कि एक सिटी होगी, बहुत बड़े मार्केट्स होंगे, बड़े रेस्टोरेंट्स होंगे, बड़े होटल्स होंगे और वहाँ पर मैं ईजिली अपना जो काम है वो कर सकता हूँ और उसके अलावा वहाँ की मार्केट में एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो हालात बिल्कुल मेरी इमेजिनेशन से बहुत ही मुख्तलिफ थे। वहाँ पे सिर्फ 10 से 20 दुकानें थी, 10 से 20 दुकानें थी मस्तूज में और उनको मार्केट का नाम दिया जा रहा था। तो इस बात से आप सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए अगर वो मार्केट है तो कितने बैकवर्ड एरियाज में लोग रह रहे हैं और उनके लिए फैसिलिटीज़ की कितनी कमी है। तो एक चीज़ जो है वो इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहूँगा आपको कि अपर चित्राल में फैसिलिटीज़ बहुत ही कम है, वहाँ पर होनी चाहिए फैसिलिटीज़। वो एक बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे रोड्स नहीं है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन सही नहीं है, बस एकेडियन वहाँ पे काम कर रहा है। एकेडियन के हाँ एकेडियन जो है वो काफ़ी काम है, एकेडियन का स्कूल जो है, यानी एक चीज़ ना जिस जगह पे तुम जाओगे बिलासपुर को देखो कितना बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे क्या है गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हायर सेकेंडरी है, अच्छे स्टैंडर्ड का जो है एजुकेशन मिल रहा है बच्चों को। एक चीज़ ना, अगर आप नॉर्थ पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहे हो और उसमें एकेडियन का आप जिक्र ना करें तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एकेडियन एक ऐसे जैसे इस सीरीज में मेरा जिक्र होगा, मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ जाहिर सी बात है मेरा जिक्र होगा, ठीक वैसे ही नॉर्थ पाकिस्तान में एकेडियन का भी जिक्र होगा क्योंकि हर गाँव में एकेडियन ने काम किया हुआ है। हमारे पानी से लेके बिजली से लेके एजुकेशन तक जो सारे जो है वो एकेडियन के, एकेडियन पानी बिजली, बिजली भी हाँ ना, अच्छा बिजली आप जो हर लाजपुर में हमारा जो बिजली है वो बहुत पावरफुल बिजली, आप कुछ भी कर सकते हो, कारखाना भी लगा सकते हो। सही, सही, और प्री पेड मीटर है हमारा, कार्ड में आप लोड करो उसको मीटर में डालो, जब बैलेंस खत्म हो जाएगा आपकी बिजली चले जाएगी। अच्छा बहुत अच्छा, देखो यार इतनी अच्छी फैसिलिटीज एकेडियन ने अपर चित्राल के लोगों को दी हुई है। और इसके अलावा अपर चित्राल में एक कुराक नाम का गाँव है, कोई कुराक नाम का एक गांव है, वहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स वहाँ पे हैं अपर चित्राल में, सिर्फ और सिर्फ एकेडियन के, एक आखान हेल्थ वहाँ पे काम कर रहा है, आखान एजुकेशन सर्विस वहाँ पे काम कर रही है, आखान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम वाले वहाँ पे काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अपर चित्राल में काम कर रहे हैं। तो अपर चित्राल में अगर हम कंपेयर कराएं, इसी तरह से कंपेयर मैंने जब गया था मैं पाकिस्तान के लास्ट गांव में धरकुट, वहाँ पे मैंने ये चीज़ की थी, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कराऊँ गवर्नमेंट और एकेडियन को तो 80% काम एकेडियन का ही है। सही है ना, हैट्स ऑफ टू एकेडियन। ये जो आगे आप होटल देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ये न सिर्फ चित्राल बल्कि KPK का पहला 5-स्टार होटल है और इस होटल के ओनर हैं अनवर अमान साहब, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, वो एक बिजनेसमैन हैं और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की है। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था BBC के साथ, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है और देख रहे हैं आप किस तरह से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे चित्राल जैसे इलाके में, वो 5-स्टार होटल बनवा रहे हैं और ये KPK का पहला 5-स्टार होटल। हाँ, KPK में 5-स्टार होटल और कहीं नहीं है ना, नहीं ये पहला 5-स्टार होटल है KPK का जिसका नाम है बीजान। बीजान ये कोई ख्वार का बीजान, असल में उसकी अम्मी का नाम है। अच्छा, अम्मी के नाम से। माशाल्लाह बहुत जो है गुर्बत से गुजरी है ये लोग बचपन में। तो कितनी अच्छी स्टोरी है यार, अनवर अमान साहब ने अपनी अम्मी के नाम पे एक होटल बनवाया है और वो भी 5-स्टार होटल। अनवर अमान साहब की जो इनिशियल लाइफ थी वो काफ़ी गुर्बत में गुजरी है और उनकी वालदा जो है वो उनके लिए जाहिर सी बात है यार वालदा बहुत मेहनत की होगी, बहुत ही मेहनत की होगी। तो कितना प्राउड मोमेंट होगा एक माँ के लिए कि उसका बेटा उसके नाम पे एक 5-स्टार होटल बनवा दे। तो बस इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। भाई अब मैं आपको जिस जगह में लेके जाने वाला हूँ उस जगह की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस जगह के बारे में समद भाई बताएंगे हमें। ये फ्रेंडशिप फोकर रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ, यहाँ पे एक जहाज़ जो है वो ट्रैक से आउट होके यहाँ पे गिरा था, एक जहाज़ था जो ट्रैक से आउट होके यहाँ पे अंदर गिरा है और अभी भी मौजूद है, मौजूद है। फिर उसको जो है रेस्टोरेंट बनाया है, उसको रेस्टोरेंट बनाया गया। बहुत ही यूनिक चीज़ है यार ये तो, और भी सेटअप है लेकिन वहाँ पे भी कुछ सही सही से। अब चलते हैं असल जगह पे। ये कब की बात है, कब हुआ था ये? ये उधर देखते हैं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है आपको, चलो ठीक है यार। ये गार्डन बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा है यार। तो ये आगे ही देख सकते हैं आप, जहाज़ पड़ा हुआ है। पैसेंजर्स तो बूढ़े हो गए होंगे ना इसके, पैसेंजर्स तो यार वो पैसेंजर्स सही सलामत थे? हाँ सलामत है, ये जगह जो है असला ये वो थोड़ा मडी टाइप है ना। सही सही तो सही, जहाज़ को कुछ आग माग लगने का वो सही सही सही। तो ये है भाई वो जहाज़ जो ट्रैक से आउट हुआ था और यहाँ पे आके गिरा है, और मज़े की बात देखें यहाँ पे रेस्टोरेंट बना गया अंदर।
तो यह है तारीख, यह खूबसूरत तारीख F-27 फोकर तैयारा गुज़िश्ता तकरीबन 50 सालों से PIA में शामिल रही और अपनी तवील खिदमत सर अंजाम देने के बाद मोरखा 16 जून 2004 को चित्राल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करते हुए बगैर किसी जानी नुकसान के 50 मुसाफरों बशमूल तैयारा हमला बखैर वाफियत इंतहाई शान के साथ खूबसूरत सरसब्ज खेतों में उतरकर खुद ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जो कि यकीनन एक मौजज़े से कम नहीं था। तैयारे के इस आखिरी प्रवास में कई मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के अलावा चित्राल के साबिक MNA शहजादा मुहीउद्दीन और कैलाश कबीले के एक मशहूर खातून लक्ष बीबी भी शामिल थीं। नेज इस खूबसूरत तैयारे के साथ चित्राल कौम का खसूसी ताल्लुक और रिश्ता कुछ इस तरह से भी कायम है कि इस तैयारे के उड़ान में जिन हवाबाजों ने बज़ात खुद हिस्सा लिया था उनमें कैप्टन रिटायर शहजाद सराजुल मुल्क भी शामिल रहे और कई बार ये तैयारा उड़ा चुके हैं और शायद कुदरत को यही मंजूर थी कि तैयारे के आखिरी परवाज भी चित्राल ही में अख्तिताम पजीर हो। इसी तरह इस खूबसूरत तैयारे के साथ चित्राल आवाम का एक दरीना मोहब्बत खुलूस और वफादारी का कभी ख़त्म न होने वाला रिश्ता कायम है, जो कि अब एक मुकम्मल तारीख बन चुकी है और यही वजह है कि कैप्टन सराजुल मुल्क ने इस अजीम तैयारे को नीलामी के बाद एक जर्मन बोली दहिंदा से ख़रीद कर इसे हमेशा के लिए चित्राली आवाम और दूसरे सयाहों के लिए महफूज किया, जो कि यकीनन एक कीमती असासा और चित्राली कौम के लिए एक कौमी वर्से का दर्जा रखती है। कैप्टन सराजुल मुल्क जो है यह भी इस जगह का ओनर है। कैप्टन सराजुल मुल्क इस जगह के ओनर हैं। बहुत सारा खिदमत है, खास करके चित्राल में टूरिज्म की प्रमोशन के हवाले से। ये हिंदूकुश हाइट्स जो होटल है मस्तूज में भी है। सर अभी यहाँ पे चित्राल में या कहीं और रहते हैं? वो इधर ही होता है। नाम सराजुल, कैप्टन रिटायर्ड कैप्टन सराजुल मुल्क सर। कैप्टन रिटायर्ड सराजुल मुल्क साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी इंटरेस्टिंग और इसकी अमेजिंग हिस्ट्री है। ये तैयारा आपने खरीद के यहाँ पे यहाँ के लोगों के नाम कर दिया। यहाँ के टूरिज्म प्रमोट करने में आपको बहुत बड़ा हाथ है, तो थैंक यू सो मच। पाइनर है चित्राल में टूरिज्म का, और उसका अभी जो पिशावर से चित्राल जो हिंदूकुश एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा था, सही सही सही, वो भी सिराज साहिब के हैं। अच्छा, बड़े तो अच्छा सर्विस है। हेड्स ऑफ टू यू सर, जो आपने इतने अच्छे से यहाँ पे, या इसके अंदर नहीं जा सकते हम लोग? अंदर ये बंद होगा, अभी कोई आएगा तो जा सकते हैं। यार बुला लो यार किसी को, मैं उधर से कहीं देखता हूँ, शायद इसके अंदर जा सके हम लोग। तो ये है तैयारा। अच्छा यार देखो यार, बुला लो सिराज उलक साहब को कॉल करो, सिराज साहब को बुला, सिराज उल मुल्क साहब को कॉल करो यार, हो जाना है इसके अंदर हमें। यार इतनी इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, मैं मुझे पता ही नहीं था। मुझे लग रहा है कि चित्राल में सबसे इंटरेस्टिंग है तारीखी मकाम यही है। तो हमने यहाँ पे रिसेप्शन पे बात की है, भाई हमारे साथ आए हैं और अभी हमें यहाँ का, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। तो मुझे पता नहीं था चित्राल में ऐसी जगह है, तो आज मुझे यहाँ पे आके पता चला। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। 2-3 साल हो गए इसका ओपन हुआ है। अच्छा जी। तो ये कब तैयारा गिरा था यहाँ पे? तैयारा तो 2004 में गिरा था। सही सही, तब से लेके अभी इसकी ये हो गई है। जी जी जी, सही सही। तकरीबन 2018 में सर हम ये रेस्टोरेंट खोला है। सही सही, इसको जो है ना फिर इस्तेमाल लिया है। ठीक ठीक, सारा क्रेडिट तो सराज उल मुल्क साहब को जाता है। जी जी, सराज उल मुल्क साहब जो लिखा, मैंने वीडियो में स्पेशल थैंक्स बोला है उनको इसके लिए। ये पूरी हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली है, अभी हम इस प्लेन के अंदर एंटर होंगे और ये पूरा रेस्टोरेंट है, बस कोई 5 मिनट। सही सही, बस अभी हम टेक ऑफ करने वाले हैं। चले चले, तो एंटर होते ही यहाँ पे कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे गद्दियाँ बिछाई गई हैं और यहाँ पे कुछ टेबल्स लगी हुई हैं। अंदर चलते हैं पायलट के पास। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, देख सकते हैं आप आगे जहाज़ के गेट्स वगैरह, उसके बाद ये स्टेयरिंग है, ये भी स्टेयरिंग है। ओवरऑल यहाँ का इंटीरियर ऐसा होता है कुछ। और इस रेस्टोरेंट के अंदर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने का एक टोटली ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। चश्मे इसलिए मैंने उतारे हैं ताकि मैं सही से देख सकूं इसको, क्योंकि दोबारा शायद चित्राल आना हो ना हो। यार ये बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई आपने। F-27 तक आपके लिए तैयार है। बिल्कुल सर, मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपने सीट बेल्ट बांधे। सीट सी नहीं यार, बेल्ट अपने जगहों पर बैठे। यार कसम से ये सीट नंबर्स वगैरह हैं। तो ये जर्मनी के किसी बंदे से या गवर्नमेंट से लिए या बंदे से लिए? बंदे से ली है और लेने के बाद जो है वो यहाँ के चित्राल के लोगों के नाम कर दिए। वाह यार,
तो एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, यहाँ का इंटीरियर कुछ ऐसा होता है, देख सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, पायलट्स जो है उनको समझ में आएगा। ये तो इतने हैं ही, साथ साथ ऊपर भी काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे। पता नहीं ये पायलट्स कैसे जहाज चलाते हैं, पायलट्स को भी हट्स ऑफ। तो यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये समझ लें कि दुनिया का सबसे यूनिक रेस्टोरेंट है।